नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। नोएडा की पॉश ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस बीच रविवार शाम करीब 8 बजे सोसाइटी के अंदर दर्जन भर से ज्यादा उपद्रवी घुस आए और जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना सोसाइटी वासियों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 6-7 लड़कों को हिरासत में ले लिया, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीम बनाई गई है। अलग अलग राज्यों में तलाश की जा रही है। पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को पर्सनल सिक्योरिटी यानी कि एक गनर दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस श्रीकांत त्यागी को आपराधिक कुंडली खंगालने में लगी है। पुलिस के मुताबिक त्यागी पर नोएडा के अलग अलग थानों में इससे पहले 3 केस दर्ज हैं। सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में IPC धारा 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करने के तहत केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, श्रीकांत पर धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज है। ये केस श्रीकांत की पत्नी ने उसके खिलाफ दर्ज कराया था। श्रीकांत पर एक और FIR नोएडा में दर्ज है। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीडी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।